आज सबकी निगाहें काशी पर रहने वाली है क्योंकि अदालत के आदेश पर आज ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर की वीडियोग्राफी होनी है। वाराणसी की कोर्ट ने 6 और 7 मई ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ परिसर में श्रृंगार गौरी मंदिर और दूसरे देवी देवताओं के मंदिरों की स्थिति को लेकर सर्वे करने का निर्देश दिया है और इसके लिए आज शाम को 3 बजे का वक्त तय किया गया है। सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की टीम मंदिर और मस्जिद के कैंपस में पहुंचेगी और हालांकि मुस्लिम पक्ष को कोर्ट के इस आदेश पर एतराज है। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली कमेटी का कहना है कि मस्जिद के अंदर किसी भी तरह का सर्वे नहीं होना चाहिए। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में आज होगा सर्वे। श्रृंगार गौरी मंदिर की स्थिति जानने के लिए होगा सर्वे। कोर्ट के आदेश पर सर्वे का विरोध करेगी मस्जिद कमेटी। नहीं, बिल्कुल नहीं दाखिल होने देंगे, ये तो कतई नहीं दाखिल होने देंगे। अगर वो जाएंगे तो हमारी लाशों पर से गुजर के जाएं। हिंदू पक्ष का ज्ञानवापी में मंदिर का दावा। आज को आज कैसी, और ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। तो नागर शैली का मंदिर होता है उत्तर भारतीय, उसका पूरा अवशेष पड़ा हुआ है। इस माहौल के बीच आज टीम मस्जिद के अंदर जाएगी या नहीं, अभी इस पर सवाल है। लेकिन इस सर्वे के काम को तो होना है क्योंकि सर्वे का आदेश वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है, जिसके तहत 6 और 7 मई को काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होनी है। ये पहला मौका होगा जब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हिंदू पक्ष के दावे को साबित करने के लिए सबूत जुटाने का काम किया जाएगा। वीडियोग्राफी होगी तो तथ्य भी सामने आएंगे और मस्जिद के अंदर मंदिर होने के दावे का खुलासा भी होगा। इसके लिए वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने पिछले साल 18 अगस्त 2021 को इस मामले की सुनवाई की थी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया था, लेकिन उस फैसले पर अमल नहीं किया जा सका। 26 अप्रैल को फिर कोर्ट बैठी और मामले में सुनवाई की गई, जिसमें कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बहाल रखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर समेत श्रृंगार गौरी मंदिर के सर्वे का आदेश दिया। आदेश के मुताबिक सर्वे के दौरान पूरे कैंपस की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सर्वे के इस काम को आज यानी 6 मई को किया जाएगा। अगर आज किसी वजह से काम पूरा ना हो पाए तो अगले दिन यानी 7 मई को इस काम को किया जाएगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर इस मामले में सर्वे करने वाले कमीशन का सहयोग करने का आदेश दिया है। एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट 10 मई को दाखिल होनी है। वीडियोग्राफी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने विरोध की तैयारी शुरू कर दी है। टीम को मस्जिद में न घुसने देने का ऐलान किया जा चुका है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के संयुक्त सचिव एसएम यासीन के तेवर कड़े हैं। कोर्ट की अवमानना का भी मामला होगा ना? अवमानना हो जाएगा। कोर्ट अगर कोई कोर्ट या कोई भी कह दे कि जाइए यासीन साहब की गर्दन काट ले आइए, तो क्या यासीन साहब को राइट नहीं होगा कि अपनी हिफाजत करें? तो आप ऊपरी अदालत में जाइए। ऊपरी अदालत में मौका कहाँ है? मौका ही नहीं है ना। मौका अगर हमें मिल जाए महीना महीना भर का, तो हम ऊपरी अदालत में भी चले जाएं। लेकिन इस बीच यदि वीडियोग्राफी होती है, चूँकि कोर्ट का आदेश है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हम तो कह रहे हैं संविधान के दायरे में रहते हुए उसका विरोध कराइए। टीम के लोग यदि अंदर जाएंगे, आप अंदर जाने नहीं देंगे, दाखिल नहीं होने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं दाखिल होने देंगे, ये तो कतई नहीं दाखिल होने देंगे। अगर वो जाएंगे तो हमारी लाशों पर से गुजर के जाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। थोड़ी देर के लिए यदि वीडियोग्राफी होती भी है तो इसमें आपत्ति क्या है? सुरक्षा कारणों से 1993 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है यहाँ के डीएम और चीफ होम सेक्रेटरी ने दाखिल किया है सुरक्षा का पूरा ब्यौरा, उस सुरक्षा के खिलाफ वर्जी हो जाएगी। तो वीडियोग्राफी हो जाएगी तो सुरक्षा पर आंच कैसे आ जाएगी? क्यों नहीं आ जाएगी, वो पूरे मार्केट में टहल जाएगी वीडियोग्राफी, और जब वीडियोग्राफी पूरे मार्केट में टहल जाएगी तब सुरक्षा के प्रबंध का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मुस्लिम पक्ष के अड़ियल रवैये से श्रृंगार गौरी पक्ष के वकील हैरान हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि वीडियोग्राफी से एतराज क्यों किया जा रहा है।
तारीख 6 मई को डिसाइड हुआ है कि 3 बजे हम जाके, और जो इसमें 5 पार्टी बनाए गए हैं और 5 महिलाएं भी याचिका करता है, तो उनके एक एक वकील और उनके एक सहायक जाके संपूर्ण परिसर का वीडियोग्राफी करेंगे, जिससे हमें प्रमाणिक साक्ष्य प्राप्त हो, आधार मिले हमें। और साक्ष्य प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं, हाईकोर्ट ने उसी आलोक में बोला है कि ये हमारा मौलिक अधिकार है और इस विषय में उन्हें तो किसी प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए। साच को आँच कैसी, और ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है जो हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान प्रदत्त है, अनुच्छेद 25 के तहत ये हमें अधिकार प्राप्त है। हर तरह से साक्ष्य उपलब्ध हैं, और अगर साच को आँच है, उनको भय है, तो जाने दें, निर्भय हैं तो जाने दें। हमारे वीडियोग्राफी कर रहा है, हमारा एडवोकेट कमीशन जा रहा है, तो उन्हें तो सहयोग करना चाहिए कि चलो भाई वहाँ पे मस्जिद है, आके देख लो, क्यों भयभीत हैं, इन्हीं प्रमाण कहीं प्रमाणित न हो जाए, इनकी पोल न खुल जाए, इसीलिए तो भाग रहे हैं, इसीलिए धमकी देना है, देश को ब्लैकमेल कर रहे हैं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खेलो। ज्ञानवापी मस्जिद में सबूत जुटाने पहुंची टीम का विरोध पहली बार नहीं हो रहा। तस्वीरों में आप 1996 के इस न्यूज़पेपर के कटिंग को देखिए। 17 मई 1996 को भी यहां से टीम को बेरंग लौटना पड़ा था। कोर्ट ने आदेश दिया है, उस आदेश का उल्लंघन करना और कहना कि हम परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं, ये एक स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है। भारत में रहने वाले सब लोगों को संविधान और कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए, सत्य के उद्घाटन से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, वो चुनौती निरस्त हो गई है, अब कोई कारण नहीं है कि आदेश का पालन ना हो। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के साथ ही आने वाले दिनों में निगाहें मथुरा पर भी लगने वाली हैं। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मथुरा के कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 19 मई को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। मथुरा की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि अदालत की निगरानी में विवादित जगह की खुदाई करने की इजाजत दी जाए। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि जिस जगह पर मस्जिद बनाई गई थी, उसी जगह वो जेल मौजूद है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को समझौते के जरिए मस्जिद को देने की चुनौती दी गई। अब देखना है कि मथुरा की अदालत 19 तारीख को क्या फैसला सुनाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।